हाजरीन मोहतरम, दलाइल खैरात में एक बहुत ही प्यारी हदीस शरीफ आई है, मैं आपके सामने वो हदीस रखता हूँ। इस हदीस को गौर से सुनिए और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को टटोलिए, खोजिए। मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर आपकी मोहब्बत को पाना है तो पहले अपने आप को समझना है कि हम हैं क्या, अल्लाह ने हमें क्या बनाया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, महदवी बनाया। तो फिर अपने आप को जब पहचानेंगे अरफा रब्बहु तो अपने रब को पहचानने में मदद मिलेगी। अगर अपने आप को ही नहीं पहचानते हैं, आलियत वाली कौम में है, इतात और पैरवी में भी इस कौम का तुर्रे इम्तियाज ये रहा कि हर अमल को सुपीरियर इख्तियार किया जाता, जो सुपीरियर होता, जो आलियत वाला होता, जो टॉप क्लास होता उसी इख्तियार किया जाता। और आज सूरत हाल बिल्कुल मुखालिफ हो गई है, रस्म आदत बिदत सब कर रहे हैं ना, हम करें तो क्या होता, ये अजीब सी लॉजिक लेकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। कामयाबी की तवक्को इस पर रखना बेवकूफ़ी है। कामयाब लोगों का ये वतीरा हो ही नहीं सकता कि मेजॉरिटी को देखकर फॉलो करे, जो सही होता है, जो परफेक्ट होता है उसे ही फॉलो किया जाता है। तो दलाइलुल खैरात में जो हदीस आई है वो हदीस आपके सामने रखता हूं। एक बार हुजूर अकरम नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी आए, सारे सहाबा भी आपके अतराफ बैठे हैं, और उन्होंने आकर बड़े ही अदब के साथ सलाम ख़दमबोसी की, और उसके बाद उन्होंने जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं सच्चा मोमिन कब बनूंगा? मोमिन और सच्चा, सच्चा मोमिन कब बनूंगा? हुज़ूर अकरम नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सवाल के जवाब में इरशाद फरमाए कि जब तू अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो सच्चा मोमिन बन जाएगा। तो फिर उस सहाबी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह से मोहब्बत कैसे करूं, अल्लाह से मोहब्बत किस तरह की जाती है? तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि अल्लाह से मोहब्बत उसी वक्त हासिल होगी जब उसके रसूल से मोहब्बत हो। बात मोहब्बत की चल रही है, स्टेप बाय स्टेप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस अहम बात की तरफ ला रहे हैं जो हमें समझना है। सच्चा मोमिन कब बनते हैं? जब अल्लाह से मोहब्बत हो। अल्लाह से मोहब्बत कब होगी? जब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कब होती है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनके तरीके पर चलने पर, उनके तरीकों पर चलने के वजह से ही अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत होती है। सुन्नतों की पैरवी करने से ही अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होती है। उन उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उनसे यानि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करेगा तब वो पैरवी मिलेगी, इतात मिलेगी। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल से बोग्ज रखने वालों से बोग्ज रखेगा तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिलेगी, पैरवी मिलेगी, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक होगी। और किसी से मोहब्बत भी अगर करेगा तो रसूल की मोहब्बत की वजह से ही मोहब्बत करेगा। और अगर किसी से कोई सच्चा मोमिन बनना चाहता है तो किसी से अदावत भी करे तो अदावत की वजह भी रसूल की मोहब्बत हो, तभी उसे सच्चा मोमिन बनेगा। सच्चा मोमिन मैं कब बनूंगा? इस सवाल के जवाब में यह फरमाया। उसके बाद आखिर में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि लोगों का ईमान एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, हर मोमिन एक जैसा नहीं होता, हर एक का लेवल अलग अलग होता। जिसके दिल में जितनी मेरी मोहब्बत होगी, जितना मेरा इश्क होगा, उतना उसका ईमान मजबूत और हवी होगा।
और उसके बाद इरशाद फरमाया कि कुफर भी एक जैसा नहीं होता, काफिर भी एक जैसे नहीं होते। मेरे मुतालिक जिसके दिल में गजब, अदावत, मुखालिफत, बौस जितना ज्यादा होगा उसका कुफर भी उतना ज्यादा होगा। उसके बाद आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बात इरशाद फरमाए वो बड़ी अहम है, सबसे आखिर में जो फरमा रहे, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मर्तबा इरशाद फरमाए। क्या फरमाए? कि जिस दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं, जिस दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं, जिस दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं। इस वजह से कि उनसे मोहब्बत होगी, उनसे रिलेटेड चीजों से मोहब्बत होगी, तो फिर उनके तरीकों से भी मोहब्बत होगी, उनके सुन्नतों पर भी, उनकी सुन्नतों से भी मोहब्बत होगी। और तरीकों को अपनाना और सुन्नतों को अपनाना आसान हो जाएगा। जब ये आसान हो जाएगा तभी हम कामयाब लोगों में शामिल होंगे, तभी कामयाबी हमें मिलने का कुछ इम्कान पैदा होगा।